पाली जिले के नाडोल क्षेत्र ग्राम आशापुरा माताजी से ग्राम गुड़ा रूप सिंह तक की सड़क जर्जर अवस्था में है। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास गांव के लोग चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए नाडोल पर ही निर्भर है। गांव के लोगों ने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत भी की और इस समस्या को लेकर गाँव के लोगों में भारी आक्रोश है, जबकि ग्रामीणों ने नाडोल दौरे के दौरान विधायक महोदय को इस समस्या से अवगत भी करवाया है। हमारे घर पे बच्चे वगैरह बीमार होते हैं, उनको लेके जाने के लिए नाडोल बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। रोड पे जाने के लिए लगभग हमको यहाँ एक 15 मिनट लगता है, उसमें 2 घंटा लगता है नाडोल पहुँचने के लिए, क्योंकि 2 फुट 3 फुट खड्डे गिर गए रोड पे। ये हम गुड़ा केसर सिंह के रोड से बोले हाल, यहाँ पर हम नाडोल 5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाने के लिए छोटे मोटे काम के लिए और सरकारी सुविधाएं सब वहाँ पर मिलती है, और इस रोड का पैसा स्वीकृत होने के बावजूद भी ये रोड अभी तक कोई हरकत नहीं है, फिर ना बना है कितना साल, तो इसके लिए इसमें जल्दी कार्रवाई कीजिए। जनपद कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश से अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सेव रही पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अंतर प्रांतीय वाहन चोरों को 6 चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एक चोरों का गैंग था, कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पहले उस गैंग से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनके कब्जे से चोरी की गाड़ियां बरामद हुई। उसी कड़ी में एक उनका जो गैंग का फरार चल रहा था वो सिवरही थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वो रहने वाला मूलतः बिहार का है और बिहार से आकर सिवरही में टेम्पोरली वहाँ पे रहने लगा है। यहाँ से गाड़ियाँ चोरी करना और उनके कागज़ बदलवाना और फिर बिहार में ले जाकर बेच देना, उसका एक पेशा था और अब वो पुलिस की गिरफ्त में आया है। उसके कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें, 1 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश बरामद हुआ है जो आपके सामने है। सुन बोल नहीं सकते लेकिन हौसले बुलंद है। मूक बधिर छात्र छात्राओं ने ये सिद्ध कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है तथा समाज के साथ कदम मिलाकर चलने में सक्षम है। आज आगरा डेफिनेशन सोसाइटी द्वारा बालकेश्वर कॉलोनी में आगरा की पहली मूक बधिर छात्र छात्राओं की एकेडमी का उद्घाटन एडीएम सिटी आगरा ने फीता काट कर किया। शहर में आगरा डीप एनेबल सोसाइटी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इनका ये स्वयं सेवी प्रयास है, इसमें किसी सरकारी संस्था के द्वारा मदद नहीं की गई है। इन्होंने अपना ऑफिस खोला है, यहाँ पर इस तरह के बच्चे जिनको समस्या है, विकलांगता है, उनको यहाँ पर इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कराया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और आगरा शहर के लिए एक नई चीज़ है। आपके द्वारा पहले से भी पार्कों में या विभिन्न जगह पर इस प्रकार के कार्य किए जा रहे थे अवेयरनेस को लेकर और बच्चों की टीचिंग को लेकर, तो ये एक अब इनका कार्यालय हो गया है जो एक संस्था है। यहाँ पर इनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ इनकी काउंसलिंग भी होगी और साथ ही बच्चों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। अगर इनमें से कुछ लोगों की समस्याएं हैं, कोई अपना रोज़गार करना चाह रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जिससे ये बच्चे आम आदमियों की तरह आम लाइफ जी सकें और जिला प्रशासन इनके साथ पूरी तरह से है और इनकी पूरी मदद करेगा। सर, जैसे इनको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह समस्याएं जो आ रही हैं, इसको कैसे शासन करेगा? अभी मेरी जो संस्था की मैडम है, इन लोगों से बात हुई है, जो लोग हैं उन्होंने कुछ समस्याएं बताई हैं जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की भी समस्या है, इसके अलावा और भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये इस तरह से बच्चे होते हैं जिन्हें वाकई सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। सरकार द्वारा इस प्रकार के बच्चों के लिए भी लगातार विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित की जाती हैं, चाहे उनके वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे उनके उद्योग और रोज़गार से जुड़ी हो, तो ये सारे प्रयास उसको मुख्य धारा में लाते हुए सरकारी योजनाओं के अंतर भी संचालित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि इनकी समस्याएं दूर हों। आज आगरा कॉलेज के चित्रकला विभाग में चल रही 5 दिवसीय कला आचार्य प्रदर्शनी का समापन हुआ। अकादमी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में पहली बार छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का मौका मिला। चित्रकला प्रदर्शनी में 45 से अधिक कला आचार्य के चित्रों को रखा गया था, जिनको कॉलेज के छात्रों के अलावा कॉलेज के शिक्षकों ने भी अपनी चित्रकारी पर प्रदर्शित किया। मनीषा दोरे, आपने प्रदर्शनी में भी आपकी भी पेंटिंग है, क्या शो किया है, क्या? मेरे द्वारा प्रदर्शित जो है वो प्रिंट है, एक्चुअली प्रिंटिंग नहीं है, प्रिंट छाया छापा चित्रों को कहते हैं और इसका विषय है एशेज ऑफ वुमेन। एशेज ऑफ वुमेन जैसे नाम से ही जाहिर है कि महिला पे केंद्रित है, उसके अंतर्मन पर केंद्रित है।
जब महिला अंदर से पूरी तरीके से जैसे पूरा उसका निचोड़ हो जाता है, अंदर उसका कुछ बचता नहीं है, फिर भी उसकी पूरा सब चीतकार कर करके वो बोलती है अंदर से, उसकी की भावनाएं निकल निकल के ये बोलती हैं कि हमको देखो, हमारी बातें सुनो। इवन मैंने एक सेंसेस सीरीज़ करी थी, उसमें केवल कान नाक आँख और मुंह ही केवल बनाया था, उसमें भी यही था कि वो सेंसेस जो हैं वो बाहर आकर के कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अलग बातें कहना चाहते हैं। जो मुँह जो है कुछ और बोलता है, आँखें कुछ और देखती हैं, पर कहना वो क्या चाहते हैं, उनकी भी अपनी कोई आवाज़ है जो अंदर से निकलती है। यादव आगरा कॉलेज आगरा ड्राइंग पेंटिंग डिपार्टमेंट में हूँ। किस तरह की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई थी और क्या रेस्पॉन्स मिला है, क्या मेन उद्देश्य था इसका? मेन उद्देश्य यही था कि मंडल में जितने भी कला शिक्षक हैं वे कई बार अपनी एग्जीबिशन नहीं कर पाते हैं, तो वे भी आगे आए, उनको भी एक मौका दिया गया है। मंडल के सभी शिक्षकों, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सभी को इसमें मौका दिया गया है, पार्टिसिपेट कराया गया है। कितने लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट? लगभग 51 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। जी, मैं भी उसमें से एक हूँ। मैंने रानी पद्मावती पर चित्रण किया है, उनके सौंदर्य को लेके, और लास्ट में जब वो हवन कुंड की तरफ जाती हैं तो सखियों में क्या वार्तालाप होता है, किस तरीके से उनको आके खबर दी जाती है सारी, उस पर चित्रण मैंने किया है। तो उसे उसका चित्रण के लिए कुछ संदेश भी दिया उस पेंटिंग? हाँ, उसमें संदेश यही है कि नारी का जो रूप उस समय था, आज भी ऐसा रूप है कि वो अपने पति को परमेश्वर मानते हुए, सब कुछ मानते हुए वो उसके लिए। देश के अंदर आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और आंकड़ों के मुताबिक 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बेरोजगारी, आर्थिक मंदी के चलते देश के तमाम व्यापार ठप पड़े हैं। क्या नाम है आपका? शहजर खान। क्या काम करते हैं? रेडीमेड की शॉप है भाई। तो किस तरह का व्यापार चल रहा है? व्यापार तो भाई बहुत मंदा चल रहा है, व्यापार तो चल ही नहीं रहा है, खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही। पहले व्यापार को इस बार व्यापार में क्या अंतर नजर आ रहा है? भाई बहुत जमीन आसमान का अंतर है, काम बिल्कुल मंदे पड़े, ठप पड़े। क्या खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही है? क्या कारण मानते हैं तुम जो व्यापार ठप पड़ा है? कारण तो भाई सरकार का ही है, जब से बीजेपी सरकार आई कामों में बाहर ही नहीं आई, व्यापार मंदा पड़ा बिल्कुल, सुबह शाम तक खर्चों की पूर्ति नहीं होती। क्या नाम है? खुशी मोहम्मद। खुशी मोहम्मद क्या काम करते हैं? रेडीमेड के शॉप खोल कर बैठे हैं यहाँ से, गांव देहात के है, कस्बे में आकर निकाल कर बैठे हैं। एक बार कुछ काम होगा, कारोबार जब से कारोबार जोड़ा, जब से मंदे का ऐसा काम हो रहा, जब से सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, जब से सारा मामला चौपट हो रहा, मैं तो यही नहीं पता लग रहा सरकार करना क्या चाह रही। तो पहले व्यापार को और इस व्यापार को कितना अंतर? बहुत अंतर है, पहले कुछ ना कुछ तो हो जाता, अब तो जो लड़के रख रहे उनकी भी टेंशन हो रही, मैं जो उन्हें दे हम ले क्या करें, उनकी पूर्ति होती, किराएदार किराया हर महीने किराएदार चढ़ जा, किराया तो वैसे के वैसे पड़ी रहा, काम तो कुछ है ही नहीं, ठल्ली बैठे। अब देख लो तुम क्या पोजीशन है। क्या कारण मानते हैं इस चीज़ का? कारण तो सारा सरकार का है भैया, और किसी का भी कारण नहीं है। कारण बताओ तुम ही देख लो, यहाँ क्या कर रहे हैं हम बैठे, सारे दुकानदार इकट्ठे हो रहे, काम तो कुछ है ही नहीं, मार्केट में काम नहीं। अरे कहीं भी आप यहाँ से लेकर बाजार में कहीं भी निकल जाओ, अगर पूरे बाजार में आपको काम मिल जाए, दो कस्टमर से बत्ती किसी के पास खड़ा होगा, आधे के पास खड़ा मिलेगा, उससे ज्यादा किसी के पास कस्टमर नहीं मिलेगा। आप क्या काम करते हैं? मेडिकल लिफ्ट चलाता हूँ। जी, आपको किस तरह का व्यापार चल रहा है आपका? जैसे कि आर्थिक मंदी चल रही है, तो क्या व्यापार तो डेली मन में से ही रहा, कभी कभी रहा कि आज काम ठीक से हुआ, नहीं तो व्यापार तो कुछ त्यौहार आ गया, त्यौहार की वजह से मन में चलता रहता है। कुछ जीएसटी लगी है, बहुत मंदा चल रहा है, हर एक मोबाइल बार बार रेट बढ़ना, ग्राहक भी इससे चीज़ है, बहुत परेशान है। जब भी मार्केट से माल लेने जाते हैं तभी उसी चीज़ पे दवाई पे रेट बढ़ते रहते हैं। अच्छा, उससे पहले जो कितनी दुकानदारी होती थी और अब कितनी होती है? भाई दुकानदारी में तो बहुत फर्क है, लगभग जैसे का फर्क हो रहा जी, सेल बहुत डाउन होती जा रही है। इसमें क्या क्या कारण दुकानदारी कम? मेन कारण तो जो मुझे लगता है आर्थिक मंदी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं। बता दूं आपको, आर्थिक मंदी के चलते तमाम कारोबारियों के कारोबार प्रभावित हो रहे हैं और युवा को
पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। और यहाँ पर बता दूँ आपको, सरकार को आर्थिक मंदी से छुटकारा पाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बुढ़ाना से CNN न्यूज़ के लिए तस्लीम राणा। महोबा जिले के बेलाताल कस्बे में श्री आदर्श रामलीला सांस्कृतिक मंच द्वारा रामलीला का प्रथम दिवस आयोजन किया गया, जिसे देखने को लेकर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुरादाबाद की थाना मझोला पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों का पैसा दोगुना करने के नाम पर बेवकूफ बनाता आ रहा था। पीड़ित लोगों का आरोप है कि इस शातिर नटवर लाल ने अब तक कई करोड़ रुपए का हेर फेर कर लोगों को चूना लगा दिया है। हमने 21 महीने के लिए 2500 रुपये महीना जमा करा और 1000 रुपये महीना जमा करा एक साल के लिए, तो हमें कोई पैसे नहीं मिला। कितना रुपया पूर्ति जमा करा था? 60,000। 60,000 रुपये जमा करा? कितने महीने के लिए जमा करा था? 21,000 के वो 2500 21 महीने के लिए और 1000 एक साल के लिए। 4 साल हो गए, अभी तक पैसे नहीं मिला हमें। किस चीज़ में पैसा लगाया था? एसएस कंपनी। क्या FD थी या RD था, क्या था? FD थी। FD पूरा महीने की, एक साल की। एक साल की हमें दोबारा दे देंगे भरा के पैसे। ऐसे डबल था डबल, जैसे 10,000 जमा करते। द्वारका देश मंदिर पड़ता है मझोला थाना क्षेत्र में। हाँ। अच्छा, कौन थे, कौन लोग थे वो जिन्होंने? नाम नहीं पता। नाम आशीष सर नाम है, राजेंद्र सैनी। क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र। अच्छा, क्या किस तरह से पैसा, क्या कोई परिचित थे आपके जिन्होंने पैसा लगवाया था? क्या आशीष द्वारा, मुझे एजेंट द्वारा हमने जमा करा था और ये खुद जाता था हमारे घर पर लेने पैसे। तो आशीष जो है ये कौन है? कंपनी से जुड़ा हुआ है। और राजेंद्र सैनी भी जाता था हमारे घर पैसे लेने और आशीष द्वारा भी जाता था पैसे। सर जी, इन्होंने लगभग आपसे 8-7 साल पहले एक हेरिटेज कॉरपोरेशन के नाम से एक कंपनी लॉन्च करी और उसको रजिस्टर्ड करा के ये लोग हमारे पास पहुँचे और इन्होंने कहा, साहब हमने एक बचत पॉलिसी के रूप में काम करते हैं रियल इस्टेट का, और उसमें पैसा अपना लगाइए और अपने मिलने वालों को बताइए, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो इन्होंने काम कराया कई साल, जब हमारे 5 साल पूरे हो गए, जब हम पैसे मांगने जाते हैं तो ये आज पे कल पे टालते रहे। 2 साल हमें लगातार चक्कर लगाते हुए हो गए, लेकिन जो अपने रिश्तेदार हैं हमारे, जो मिलने वाले हैं हमारे, वो सब लोग जो है हमसे कहते हैं कि साहब पैसा दिलवाओ। वो खुद भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, आपस में हम में झगड़ेबाजी होती है, गाली गलौच। तो इस तरह से हमने इनसे कई बार शिकायत करी, आए आश्वासन देते रहे, लेकिन एक दिन जब हम सब लोग मिल के एक साथ आए तो इन्होंने, हम मकान पे हम इनके पहुँचे काशीराम नगर में द्वारकाधीश मंदिर के सामने SI 102, तो वहाँ पर इन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर दी, बोले ऐसे ऐसे हमें मार रहे हैं, हमारे बच्चों को छेड़ रहे हैं, फलाना धमाका। इन्होंने कई बार फिर हमने फ़ोन पे भी बात करी तो इन्होंने यही धमकियाँ दी, बोले हम तुम्हें 76 के केस में फंसा देंगे या फिर तुम्हारा झूठे केस में कहीं ना कहीं रखवा देंगे, और यदि पैसे के नाम पे इधर आए तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। तो हमें धमकियाँ मिलने लगी फ़ोन पर भी। कितने लोगों का यहाँ पर? लगभग सर जी 1000 लोगों का पैसा है। आपका कितना पैसा लगा? मेरा लगभग सर जी, मेरा खुद का 3.5 लाख के समथिंग और बाकी का मेरे मिलने वाले और रिश्तेदार सहित 28 लाख के आसपास मेरा। अब यहाँ कौन बैठे हैं? राजेंद्र सैनी है, वो आज हाथ लगे हैं साहब। इसके अलावा क्योंकि आज इनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, आप ही के कुल 30-35 लाख रुपए संबंधियों के हैं या औरों के सब टोटल लगा कर? सर टोटल लगभग 2 करोड़ के आसपास बैठेगा क्योंकि सभी लोगों का है। किस नाम से कंपनी चल रही है? हेरिटेज कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। अच्छा, आप एम्प्लॉय थे वहाँ पर? नहीं सर, हमें जो है उसमें मतलब एक एज एडवर्टाइजर के रूप में हमें भेजा जाता और जमा करवाते थे, ये बोले आप एडवर्टाइज करिए। देखिए, इस मैटर में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक सामने आई है, इनकी एक जो इनके परिवार में कुछ लोग सदस्य हैं और इनकी एक पूरी टीम है जिसके तहत ये लोगों से काफ़ी समय से, लगभग कोई 7-8 साल से थोड़े थोड़े लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते थे। इनकी एक चिटफंड कंपनी थी
जिसके थ्रू ये लोगों से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते थे उनसे पैसा लेते थे। उनसे पैसा ले लेके ये लगभग जो इनके जो कंप्लेंट जो कुछ वादियों ने कंप्लेंट दी थी उनके उनके थ्रू ये पता चला था कि ये लगभग 2 करोड़ का मामला था जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने जो सम एक टोटल मनी बना था उसमें 2 करोड़ था। तो उसमें एक अरेस्टिंग हुई है अभी लेटेस्ट में, जो जो मेन एक्यूज्ड हैं जो राजेंद्र सैनिक उनको अरेस्ट किया गया है और उनसे पूछताछ करी गई है, उसके बाद में उनको जेल भिजवाया गया। सर लगभग कितने की ठगी और कितने लोग थे इस कंपनी में? इसमें जो कंपनी है उसमें लगभग इनका जिनसे पूछताछ में थोड़ा पता चला है इनके साथ में जो लोग जुड़े थे इनका कुछ कभी ये बताते हैं कि परमानेंट थे, कभी बोलते हैं टेम्प्ररी एम्प्लॉयज थे। तो ये चीज़ें पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई है, जब तक बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तो पूरी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और ये पूरा लगभग मैटर 2 करोड़ के लगभग बता रहे हैं। कितने टाइम से सर रन कर रही है ये? सिंस 2013।